हमारे इलाके में आकर एक ऑटो ड्राइवर को टच करके वापस जाना इतना आसान नहीं है। तूने मुझे क्यों मारा ये मुझे जानना है। जानना चाहता है? जानना है ना तुझे? ये देख। कल इसी जगह पर इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। सपना मैडम। मेरी माँ का गांव बंकापुरा, हमारे गांव में किसी और की नहीं चलती। मेरी माँ को डॉक्टर राजकुमार की फिल्में अपनी जान से ज्यादा प्यारी हैं। जब मैं माँ की कोख में था तभी से मेरे कानों में भाई की आवाज सुनाई देती थी। कोशिश करता हूँ इंसानियत का धर्म मौत जैसे भयानक डर का सामना करने की हिम्मत देता है। हमारे पुरखों ने बड़े बड़े शूर वीरों को युद्ध के मैदान में धूल चटाई है। मैंने जब से इस धरती पर अपना कदम रखा है तब से अपने पिताजी की नफरत ही छेली है। वीरप्पा, किसी भी तरह से इस काल मास को टलने से पहले तुम्हारे बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर 12 बजे से पहले बच्चे का जन्म हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। उस दिन अमावस की रात थी। मेरे पापा चाहते थे कि मेरा जन्म ना हो, लेकिन विधि का विधान कि मेरी माँ ने उसी रात को ही मुझे जन्म दिया। इंसाफ गांव का अध्यक्ष बनकर राज करना हमारे खानदान का हक। मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत मत करो वीरा। उमेश, मेरे भाई हर हाल में खड़े होंगे और जीत के भी दिखाएंगे, समझा? मेरे किस्मत की दुर्दशा देखिए कैसे शुरू हुई। उसी दिन हमारा घर भी टूट कर गिर गया। जैसा ज्योतिष ने कहा था, हमारे गांव का उमेश, उसने मेरे चाचा को मरवा दिया और इन दोनों हादसों का जिम्मेदार मेरे पापा ने मुझे ही ठहराया। ये बच्चा पैदा होते ही अपने चाचा को खा गया, अब वीरप्पा का क्या होगा? अमावस के दिन जन्म लेकर मैं अपने पापा के लिए अभिशाप बनकर रह गया और दोबारा कभी मैंने उनके चेहरे पर हंसी नहीं देखी। फिर लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मेरे अच्छे दिन की शुरुआत होगी। मेरे पापा एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ देखते नहीं थे। मुझे प्यार मिला वो मेरी माँ का और मेरी पड़ोसन संगीता का। बंकापुर में एक राक्षस रहता है। वो शैतान सबको परेशान करता है और ऐश करता है, और वो हर कमजोर लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। बंकापुर की जनता उस राक्षस से बहुत परेशान है।
तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़िए, छोड़ दीजिए। तुझे दूध बेचने के लिए भेजा था और उन पैसों से तू राजकुमार की फिल्म देख कर आ रहा है। फुल टाइम से, फुल टाइम से। ए, तुम चुप रहो, चल जाओ यहाँ से। तुमने ये बिगाड़ रखा है इसे। जाओ यहाँ से। तो इन्हीं पैरों से जाता है ना? तेरे पैर ही तोड़ दूँगा मैं। फिल्म बनाने में एक साल और पोस्टर चिपकाने में एक मिनट लगता है और दर्शकों ने पसंद कर लिया तो हिट होने में एक मिनट। ए भाई जरा पानी दे, पानी दे भाई। ये रखा ले लो। क्या तू बोलो? इडली दो भाई। फाड़ो मत, अभी तो चिपकाया है मैंने। कन्नड़ की फिल्म है भाई। तेरे को चिपकाने के 10 मिलते हैं और मुझे निकालने के 20 मिलते हैं। चल निकल। ये गलत है भाई। चल निकल, चल निकल यहाँ से। ए, फाड़ो रे, फाड़ो। सब अपने ही है, अपने अपनों। अरे चल चल जल्दी आ, चला लगता है या नहीं आया। पैसा लेकर अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इडली खाओगे क्या? देख बेटा, अभी तेरी उम्र बहुत कम है। पापा मारे या मम्मी डांटे तो घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए, समझ गया ना? सुबह 6:30 बजे सोमेश्वर के लिए बस मिलती है, वो बस पकड़कर सीधा अपने गांव निकल जा। नहीं भैया, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यही सोच कर आया हूँ। हो, तो सोच कर आया है। चल खा। ए जगप्पा। हाँ भाई। बिल कितना हुआ? तुम दोनों का 12 रुपया। ठीक है बाबा, माँ बाप ने डांट दिया तो इस छोटी सी उम्र में घर छोड़ कर चला आया। इलाके में हमारी फिल्म चलनी चाहिए। भैया बोल बेटा, आपको कैसे पता चला कि मैं घर से भागकर आया हूँ? मैं भी तेरी उम्र में घर छोड़कर भाग आया था। क्यों बे, सारे पोस्टर्स ऐसे ही हैं, चिपकाया नहीं क्या? कहाँ चिपकाऊं, तेरे मुंह में चिपकाऊं क्या? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। भाई भाई क्या हुआ महेश? तुमने 50 दिए थे ना, मैं सिर्फ 25 चिपका पाया। जहाँ देखो उसका पोस्टर चिपका हुआ है। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ भाई, आपकी कसम। ये अपुन लोगों का इलाका है, अपुन का ही पोस्टर चिपकेगा। कौन है वो?
पोस्टर फाड़ दो। जी। भाई ये तो मर गया। एक ही पंच में जान लेकर काठी पे लिटा के हार भी चढ़ा दिया। ए कौन है रे तू? कनका हूँ। ये है कनका, कड़प्पा का लड़का। क्या है बे? क्या है बे? किधर है बे? ये सब बॉर्डर के बाहर चलता है, यहाँ हमेशा कनका ही है। हम चाहे कोई भी पोस्टर लगाएं, तुझे जलन क्यों हो रही है? ए, जाके तोड़। इस इलाके में सिर्फ मेरा ही बस चलता है और यहाँ के शहरों में सिर्फ यहीं की फिल्में चलनी चाहिए। ए, वहीं रुक जा। 3 करोड़ की फिल्म बनाने वाले तुम लोग, 100 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हम लोग, हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे। अरे इतनी हिम्मत तू हमसे टकराएगा? अबे गधे, एक कहानी सुन, तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। राजाओं के राजा हैं हमारे राज भैया। जंगल से आकर वो यहाँ विक्रमादित्य बने। वो एक साधु के रूप में जाबाज थे। हॉलीवुड वालों के लिए वो एक रोबोट थे, माँ के लायक का बेटा। उनकी माँ नाना बीबी तमिलनाडु के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भाई का रचा हुआ नया इतिहास ही तुम्हारा अभी बनाया हुआ बाहुबली है। अब क्या होगा? ए, चुप रे, चुप रे। तुझे पता है कि भाई कौन है? सुन बच्चे, यहाँ तुम जैसी कितनी सारी चवन्नियाँ हैं जो अपने आप को भाई समझकर भटक रही हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आगे भी ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे, लेकिन वो सब मैं गिनता भी नहीं हूँ। लेकिन हमेशा सदाबहार रहने वाला और कभी ना भूला जाने वाला बस एक ही भाई है, और वो हमारा भाई राज भाई है, डॉक्टर राज भाई। सब जगह तूने पोस्टर लगा रखा है, तेरे अकेले देखने से क्या फायदा? तेरे अपने लोग तो खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। अपर क्लास वाले मल्टीप्लेक्स में, मिडिल क्लास वाले सिंगल स्क्रीन में। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ भी लोकल चैनल्स पर जो सीरियल्स लगती हैं वो भी शौक से देखती हैं। अभी तूने क्या कहा था? हमारे लोग हमारे यहीं की फिल्में नहीं देखते हैं? ए चिंपांजी की औलाद, ये लोग कौन है? हमारी फिल्मों को आसमान तक पहुंचाने वाले ये सारे हमारे ही लोग हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बच्चों। पिताश्री, भगवान सबकी रक्षा करना। आ राजा, आ जा मेरे पास आ जा। अरे सुबह सुबह क्या दर्शन करवा दिए, ला तेरी गोटियां इधर दे। मम्मी मेरी गोटी। अरे मेरी गोटी। चलता हूँ बच्चों। ठीक है भैया। अरे जल्दी तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। Oh
टोपी बाद सबके सब पोस्टर चिपकाने को देते हैं, मजदूरी नहीं देते। हमारी बदनसीबी है, यही काम करना पड़ता है। कैश लाने के लिए भेजा तो कुरकुरे लेकर आ गया। देख, ये बंकापुर नहीं है, बेंगलुरु है। होशियार रहना चाहिए वरना चीर फाड़ देंगे। हम लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करने के लिए आए हैं। इज्जत से कमा कर अपने गांव लौट जाएंगे। देख, मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ हो, ठीक है? देख, तेरे गांव में तेरे माँ बाप, छोटा भाई सभी हैं ना, लेकिन मेरा कौन है? मेरा तो कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है बेटा। अब तू इधर उधर अपना मीटर दिखाना छोड़ दे और आज के बाद से तू ये मीटर चलाएगा। मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऑटो चलाऊं? झाड़ू मारने का काम मिले तो भी ईमानदारी से करो, उसका फल देने वाला ऊपर बैठा है। ये बात भाई हम सबको बता के गए। मुझे दो रोटी खिलाकर तुमने पाला है, तो तुम कह रहे हो कि वो भी मैं ऑटो चलाकर जनता की सेवा करूं। तुम धन्य हो भाई। भले ही पोस्टर चिपकाना छोड़ दिया हो, तभी भाई तेरे साथ रहेंगे। ऑटो चलाते समय भी भाई के दर्शन करते रहना, दुनिया तुम्हारी है। बड़ो भाई, आज के बाद आपका ये दास सार्वजनिक सेवक और ऑटो चालक है। आशीर्वाद दो भाई जी। अन्नप्पा। बेटा ये ले। अरे बाबा बाबा बाबा, इस तरह अगर मेरे बाप ने मेरा ख्याल रखा होता ना, तो माँ कसम मैं गांव छोड़कर आता ही नहीं। है 15 सालों से तेरा ये डायलॉग सुन सुनकर कान पक गए मेरे, तो खुद ही गांव नहीं जाना चाहता। छोड़, तू भी ना। सुन 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 सुन, आज का काम कैसा था? ठीक था ना? बहुत बढ़िया। मजा आया? मजा आ गया। कमाई? कलेक्शन ना? हाँ। आज का कलेक्शन ना? हाँ। कलेक्शन तो वो ऐसा तो नहीं कि किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर सो गया था? अच्छा, मुझे तुम कामचोर समझ रहे हो क्या? वो क्या है ना, पता है आज क्या हुआ? सुबह की जो पहली ट्रिप थी, तो तुम्हारा मुंह देख कर और अपनी गाड़ी लेकर मैं सीधा वहां चला गया। ये ले लो भैया। ये ले बेटा। अरे मुझे क्यों दे रहा है ये? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो दादी, मैं आपके काम आएंगे। रख लो, आप जाओ। आपको मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कहीं गौर से फिल्म देख रहे हो क्या? चिपक गए हो क्या? ये ओके, ये भी ओके, ये आईटी वालों के लिए फ्री क्यों? सर, आप भाई की फिल्में देखते हो क्या? जी हाँ। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी भाई की फिल्में देखते हो? वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जब मैंने बंगार द मनुष्य फिल्म देखी है ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उनके रास्ते पे चलना है। इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं पे सारी जिंदगी बिताई। सरकार से मिलने वाली हर एक सुविधा मैंने ली, स्कॉलरशिप ली, बुक्स लिया, कपड़े लिए, और सब लेकर मैंने अपना एजुकेशन यहाँ पूरा कर लिया। और अब मैं 4 पैसे कमाने के लालच में लोग देश छोड़कर विदेश में जाकर बाल बच्चे छोड़कर काम करते रहते हैं। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन बंगार द मनुष्य जब मैंने फिल्म देखी, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे मेहनत के पसीने का एक एक बूंद इसी धरती पे गिरेगा। लेकिन आप कहीं से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये लैपटॉप, ये ड्रेस, दोस्त 10 साल देखना, हमारे देश का हर एक किसान मेरे जैसा ही होगा। ये लो। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, आप जाओ। अरे जाओ आप। अरे क्यों भाई साहब,
मैं भाई का फैन हूँ इसलिए। सर उसके लिए बिल्कुल नहीं सर, अभी आपने कहा ना कि हमारे देश का हर किसान 10 साल के बाद बिल्कुल आप जैसा लगेगा, बस उसी बात के लिए सर। आप ग्रेट हो सर, आपको सल्यूट है। सर मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ सर। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तूने बहुत अच्छा काम किया छोटे। क्या हुआ बहन? भैया आज मेरा स्कूल बस मिस हो गया। भैया आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मैं घर से पैसा नहीं लाई, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे भैया? कौन सा स्कूल? श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय। चल आ बैठ जा, जल्दी बैठ चल। थैंक्स भैया। लड़कियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। करेक्ट टाइम पर पहुंच गए ना, जाए एग्जाम दे, जल्दी जा जल्दी जा। ए रुक रुक रुक, हाँ? तू वापस घर कैसे जाएगी? पैसे हैं? अरे ए ऑटो। मैं? हाँ तू है, तू जा। ए कबूतर इधर आ बे। सर आप पुलिस वालों ने कभी किसी को इज्जत देना सीखा ही नहीं है क्या? फाइन कितना हुआ बताओ? 500 रुपए निकाल। सर मैंने ये नहीं पूछा कि होटल सप्लायर को टिप्स कितनी देनी है, आपकी गवर्नमेंट की जो फाइन है वो बताइए। ए तू हद से ज्यादा बोल रहा है, ये खाकी है बे। सर हम क्या कोई सड़क छाप है क्या? हम भी तो खाकी है सर। ए, पहली गलती तुझे रोकने को कहा तो भी तू रुका नहीं, वन वे से आया। रोड क्या तेरे बाप ने बनवाया है? ऑटो में लड़की क्या बैठी, दिमाग घूम गया? कहाँ है आर से बग? लाइसेंस, एमिशन सर्टिफिकेट सब है क्या? ऑटो मेहनत की कमाई से लिया है या आराम की कमाई से, बता? सर आपकी बात गलत दिशा में जा रही है सर, वो बच्ची स्कूल की स्टूडेंट है, उसकी लाइफ का सवाल था सर, एग्जाम को लेट हो रहा था इसलिए रो रही थी, इसलिए वन में से आ गया था सर। कल कोई दूसरी रोती हुई रास्ते पे मिल जाएगी तो उसे भी लेके आएगा क्या? रास्ते में कोई भी रोते हुए मिले चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। तेरी तो। सर सेंटर रोड पर ऑटो ड्राइवर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कनिका क्या प्रॉब्लम है भाई? तो कौड़ी का ऑटो वाला तू मुझे तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बे? तुम जैसे लोगों के यूनिफॉर्म में ही बस दम रहता है, लेकिन हम ऑटो वाले मरते दम तक दम रखते हैं। अगर तू मेरी कॉलर नोचेगा तो इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा, लेकिन हम सब मिलकर अगर तुझे नोचेंगे ना तो छोटी चिंदी भी नहीं मिलेगी, समझा? देखना है, देखना है तुझे। मुझसे गलती हुई है, कानून के आगे मैं सर झुकाता हूँ, ये रख लो। फाइन, ऑटो वाले के पास बस तीन ही दौलत होती है, आमने सामने बैठे रहने के लिए साफ ईमान, पीछे जो दो बैठते हैं वो ताकत, और जनता की सेवा ही हमारी दौलत। ऑटो चलाने वालों से टकराओगे ना तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिस स्पॉट पर खड़ा है वहीं पर फैसला। चलो क्या खजूर? डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करने का मन करता है, और तुम जैसे को देखता हूं तो मुंह पे थूकने का मन करता है। नमस्ते मैम, आप यहाँ इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई एनजीओ चलाती हैं क्या? मैं कोई एनजीओ नहीं चला रही हूँ और ना ही कोई फॉरेन से फंड आ रहा है। तो फिर? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बेचारे इन बच्चों के माँ बाप
अपना गांव छोड़कर काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, पेट की आग बुझाने के चक्कर में इन बच्चों का भविष्य ही भूल जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये लोग आज यहाँ काम करते हैं, कल किसी दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए मैं टीवी सीरियल देखना छोड़कर इन बच्चों को चार अक्षर सिखा दूंगी तो साइन करने के लिए या एटलीस्ट पेपर पढ़ना ही सही कुछ तो सीखेंगे ना। वाओ, वंडरफुल थॉट्स मैम। आप जैसे रियल लाइफ हीरोज बहुत कम ही मिलते हैं। मे आई हैव अ सेल्फी विद यू? जरूर। कॉलिंग बेल बजाकर नहीं आ सकती थी क्या? तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था ना। रिलैक्स, खाना रेडी है, मम्मी खाने के लिए बुला रही है, जल्दी आओ। दो मिनट में आती हूँ, तू जा। ओके। बेटी तुम जानती हो आज इसने क्या काम किया है? एग्जाम के टेंशन में स्कूल बस मिस कर दी इसने, साथ में पर्स लेना भी भूल गई। डर के मारे रास्ते पर अकेली खड़ी होकर रो रही थी। उसके बाद क्या, सही वक्त पर कोई एक भला ऑटो वाला आकर इस पगली को स्कूल तक ले जाकर छोड़ आया। इतना ही नहीं, पुलिस को फाइन भी उसी ने दिया। इतना ही नहीं, स्कूल से इसे वापस घर आने के लिए 100 रुपए भी उसी ने इसे दिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। आई थिंक ही इज अ नाइस पर्सन। वो भी रियल लाइफ हीरो है आंटी। मैं कौन, आप कौन? मैं पड़ोस में रहती हूँ, फिर भी मुझे हर रोज बुलाकर आप खाना खिलाती हैं। आंटी, मुझे आपके साथ एक सेल्फी खींचनी है। थैंक यू आंटी, पढ़ाई करनी है, चलती हूँ। वैसे स्मिता, अगर अचानक फिर कभी वो ऑटो ड्राइवर तुमसे मिल जाए तो मम्मी से 100 रुपए लेकर उसे वो वापस कर देना, और हो सके तो उसे कॉफी पिलाकर थैंक्स भी कह देना। तू जब से आया है तब से मैं देख रहा हूँ, ये जिस माँ की फोटो है ना, वो यहाँ आई और ना तू उससे मिलने के लिए कभी गया। समझा कर थक गया हूँ मैं, पता नहीं तो किसकी बात सुनेगा। फीमेल प्लस वन मैन इज इक्वल टू सपना। यस, यू आर करेक्ट। सपना भी आई है सर। मे आई कम इन सर? यस, यू कैन कम। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हार्ट के बारे में कुछ सीखेंगे। ये हार्ट इस उम्र में स्टूडेंट्स लोगों का बहुत वर्क करता है। ये किस तरह से वर्क करता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों में से कोई हार्ट के बारे में बताएगा मुझे? रामदास, तुम? इस हार्ट के बारे में क्या जानते हो, जरा बताओ सबको। सर, ये हार्ट एक मर्द जैसा है। हार्ट एक मर्द जैसा है? अगर ऐसा है तो हमारी बॉडी में लेडीज पार्ट कौन सा है? ब्रेन है सर। ब्रेन? वो कैसे? सर, हमारे अंदर जो हार्ट है ना, वो किसी को भी एक बार पसंद कर लेता है तो फिर आगे पीछे सोचे बिना उसे प्यार कर लेता है।
लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं है सर। वो कौन है, क्या है, वो अच्छे परिवार का है या ऐसे ही परिवार का है, वो कार से आता है या फिर पैदल आता है, वो फार्मर का लड़का है या फिर पॉलिटिशियन का, वो ये है या वो है। इस तरह ब्रेन कैलकुलेट करके जब तक हमारे हार्ट को रिप्लाई देता है तब तक हम बार में जाकर जवानी शराब में डुबा देते हैं। रामदास, ये सवाल तुमसे पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो लड़कियों के बारे में पूछा था, तुमने तो उनकी पूरी पोल खोल के रख दी। चाओ 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 बैठो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम रामदास के बजाय देवदास रखते तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा चाओ 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 बैठो, बहुत इमोशनल हो गए। सर, ये जो हमारा हार्ट है, हमारा ये हार्ट हमको चीरे नहीं देता। ये तो तुमने सच में तोड़ दिया। मामा, अब तुमसे पूछकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हे भगवान, अब समझ में आया, ये रामदास नहीं रामदास है। अगर मैंने लेसन स्टार्ट नहीं किया तो ये पता नहीं और क्या क्या तोड़ेगा। शुरू करता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। यस यस, हे रामदास, ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? बेल बज गई सर। बेल हो गया? मैंने सुना नहीं, लेकिन ए बेल हुआ तो पहले मुझे जाना चाहिए था। आप नहीं गए ना सर, इसीलिए तो मैं भी बैठा हुआ हूँ। लेकिन तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? क्यों बैठा हूँ? मैं कब का जा चुका हूँ। फिर तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? ये आपका भ्रम है सर। भ्रम है? वो जा चुका है तो उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? लेकिन ये तो दिख रहा है, दिख रहा है ये तो। रामदास, यहाँ से निकल लेना, ये ठीक है। सपना, हाय। हाय सर, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, आपको परेशानी होगी। अरे मैं तुम्हें उठा कर थोड़ ले जा रहा हूँ, कार में बिठा कर ले जा रहा हूँ। आ जाओ गाड़ी में, आ जाओ, इससे तुम अपना ही समझो। आ जाओ प्लीज। हाय हाय, चले। बाय सर। उसे बाइक ज्यादा पसंद है। मम्मी मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? तुम लोग यही रुको, मैं लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। हेल्प कीजिए ना सर, मुझे ऑफिस जाना है, कपड़े खराब हो जाएंगे। ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है, ऑलरेडी ये जा चुकी है, बेकार में सर दर्द हो जाएगा, छोड़ो। अरे पुलिस वाले आके देख लेंगे ना। अबे तू कोई इंसान है? शर्म आनी चाहिए तुम जैसों को, जिन लोगों ने तुम जैसों को ऑफिसर बनाया। थू। बाजोड़ा, बाजोड़ा। बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, दिखने में सब लोग एजुकेटेड लग रहे हो, लेकिन इतनी सी भी इंसानियत किसी के अंदर नहीं बची है। सारे ऑटो ड्राइवर को मेरी तरफ से सलूट। सर क्या हुआ? सर क्या बताऊं बहन, एक एक्सीडेंट हुआ। एजुकेटेड होकर भी कमारों जैसा बिहेव कर रहे हैं, कोई बचाने नहीं आया। एक ऑटो ड्राइवर उनकी जान बचाने के लिए अपने साथ लेके गया है। ऐसी बात है, वो किस तरफ गया है सर? उसी तरफ गया, बेगस हॉस्पिटल गया होगा। ओके थैंक यू सर। ओके मैम। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस। एक ऑटो वाला अभी भी यहाँ एक औरत और उसके दो बच्चों को लेकर आया। एक्सीडेंट केस क्या? हाँ। उनके घर वाले आ गए हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, नथिंग टू वरी। और जिन्होंने यहाँ लाकर उन्हें एडमिट किया? ऑटो ड्राइवर। हाँ। वो देखिए वो जा रहे हैं। थैंक यू। हेलो हेलो, दीदी ये तो मेरा हीरो है।
हीरो है? कौन? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर तेरा हीरो? ये क्या कह रही है? कल जिन्होंने मेरी हेल्प की थी दीदी, इतनी जल्दी भूल गई तुम? तो उस दिन तेरी हेल्प करने वाले यही है? हाँ दीदी, आज बस थोड़ा सा मिस हो गया, फिर भी मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, जरूर ढूंढ निकालूंगी। उनके 100 रुपए वापस देकर उनके साथ सेल्फी जो लेनी है मुझे। हाय। हाय सर। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, आपको परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे तुम्हें टू व्हीलर पसंद है ना, इसलिए 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर लेकर आया हूँ। मुझे 2 व्हीलर पसंद है, ऐसा आपसे किसने कह दिया? तो तुम्हें क्या पसंद है? ऑटो। बाय सर। ये हमेशा मुझसे सड़क क्यों लेती है? मेरे स्वीट हार्ट को 3 व्हीलर पसंद है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्यों भाग के आ रही है? सर, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा सर। मैडम आपका सर मैं नहीं हूँ, वो देखिए वो रहा आपका सर। यस। वो तो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें नहीं आपको ढूंढ रही थी सर। मुझे? लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पी सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड। कॉफी डे में? ऑटो से आए तो सोचा इम्प्रेस हो जाएगी, ये तो ऑटो वाले से इम्प्रेस हो गई। हाय, मेरा नाम सपना है। मैं कनका हूँ। एक्चुअली मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी सर। क्यों मैडम? मुझे आप जैसे रियल लाइफ हीरोज से मिलना, उनके साथ सेल्फी लेना और उन्हें मोटिवेट करना अच्छा लगता है। रियल लाइफ हीरो से? यस सर। सी ये लड़की मेरी कजिन है। उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी और आपने उसे ड्रॉप किया था। पुलिस को फाइन भरा था। इतना ही नहीं, एक एक्सीडेंट भी हुआ था। उस औरत को आपने ही हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाया था। मैं आपके पीछे पीछे भी आई थी, पर आप वहाँ से निकल गए थे। मैं तो आपसे बात करते करते आपसे पूछना ही भूल गई, क्या लेंगे आप सर? अब इस कॉफी डे में आपने बुलाया है तो यहाँ टॉनिक थोड़ी ना मिलेगा, कॉफी ही बोल दो। आप बहुत मजाक करते हैं सर, 1 सेकंड। लाल हीरोन को चूना लगाया ऐसा लग रहा है। ओहो, ये लोग छुपते ही इनका ब्रांड दिखाई देने लगता है। चिकना लौंडा मिल जाए तो किसी भी ब्रांड का हो उसे अपना लेती हैं ये लड़कियां भी ना। जरा इसे देखो, घर में भगवान के सामने कभी अगरबत्ती नहीं जलाएगी और यहाँ दम लगाकर धुआं छोड़ रही है। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी जा रही है। पियो पियो। जरा इसे तो देखो, कोई भी फुल पैंट पहनाओगे तभी भी वो कट होकर अपने आप सिंगल पीस हो ही जाता है। हेलो। हाय। हेलो। कम कम। ये क्या है राजा? जंगल में रहने वाले मोर के सारे पंख अपने सर पर लगा लिए। इसे देखकर ऐसी पटा ली, और कुछ लगाएगा तो पता नहीं कैसी पटेगी, इंसान से परिंदा बन गया। जाओ पैरे, कंटिन्यू योर ड्यूटी। हाँ जाओ जाओ। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता सर, ये आजकल का ट्रेंड है, कल्चर बन चुका है। ये सब ट्रेंड और कल्चर है क्या? माँ बाप की कमाई पर ये ऐश करते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करना, हर किसी के साथ बीड़ी सिगरेट पीते हुए बैठना, ये सबको आप कल्चर कहती हैं मैडम? ऐसे आवारों के अड्डे पर मैं कॉफी पीना पसंद नहीं करता। ये बताइए आप चाहती क्या है? मेरे साथ एक कॉफी पीनी है ना? तो चलिए मेरे साथ। राम भैया, कॉफी रेडी है ना? कैसे हो कनका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आपका आशीर्वाद है। हाँ, ये लो। बहुत दिनों के बाद आए हो, तबीयत तो ठीक है ना? फर्स्ट क्लास राम भैया। तुम्हारा ऑटो तो सही चल रहा है ना? एकदम सही चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये देखो मैडम, एकदम ओरिजिनल कॉफी। क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? ओ हो, फुटपाथ पर खड़ी हो इसलिए? हेलो मैडम,
बड़े बड़े महान हस्तियों की शुरुआत इस फुटपाथ से ही हुई है मैडम। फुटपाथ पर जीने वालों को जिंदगी की कीमत पता चलती है। ईमानदारी क्या है ये वो जानते हैं और भला बुरा क्या होता है वो अच्छे से पहचानते हैं। अच्छा ये बताइए आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक डॉक्टर हैं। मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर कनका। MBBS नहीं हूँ, सिर्फ BS। डॉक्टर BS? इसका क्या मतलब है? वेटर कन्नप्पा की साउंडलेस जितनी सारी फिल्में हैं वो देखकर, उसके अंदर जो अच्छे आदर्श हैं उसे अपनाकर, मरते दम तक उसे फॉलो करने का इरादा लेकर पला बढ़ा हुआ भाई के यूनिवर्सिटी का और एक पदवीधर। ऐसे भी कोई डिग्री है क्या? बिल्कुल मैडम, आप लोगों को 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको 4 पैसे कमा कर दे देता है। लेकिन अगर तुम 2 से 3 घंटा बैठकर अगर भाई की फिल्में देखोगी तो हमारी जिंदगी में बहुत सबक सीखने का मौका मिलता है मैडम। जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सामना करके जीना है, ये हिम्मत हमें उससे मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनकर दिखाऊंगा, ये सीख उसकी फिल्मों से मिलती है। 2 भाइयों को मिलजुल कर कैसे जीना चाहिए तो आप जुड़वा फिल्म देखिए मैडम। भाई की एक एक फिल्म मतलब एक एक डिग्री की तरह है मैडम। आप सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं सर। मोदी जी, भाई जी की तरह एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दीजिए, फिर क्या जरूरत है मोबाइल में 3G और 4G की। हां राम भैया, बिल कितना हुआ? सुनिए सर, उस दिन मेरी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आपने पुलिस को फाइन भरी थी ना, ये वो पैसे हैं, ले लीजिए प्लीज। सहायता दोस्ती को बढ़ाती है, अगर मैं पैसा ले लूंगा तो व्यवहार हो जाएगा मैडम। दोस्ती चाहिए या व्यवहार चाहिए ये सोचना अहम है। अगर सच में ये पैसे आप मुझे देना चाहती हैं ना, तो इस पैसों से भाई की फिल्म की CD लेकर उसे आप देखिए, जिंदगी में एक अच्छा सबक सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह के भी रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं क्या? I think I need a selfie with you. अरे नहीं नहीं, मैं कोई फिल्म एक्टर थोड़ी ना हूँ मैडम। आप एक रियल लाइफ हीरो हैं। मैं एक नॉर्मल ब्लैक बॉय हूँ। ठीक है ले लो ले लो। मैं सबका दिल जीत कर आई और अपना दिल कहीं छोड़ के आई। सुन सुमिता, कल वो मिले थे। कौन? भाई जी? उन्हें चाहने वाला। कर्नाटक में करोड़ों के हिसाब से उन्हें चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें से तुम्हें कौन मिला था दीदी? कनका, वही जिन्होंने एग्जाम के लिए ड्रॉप किया था तुझे। ओ, उस ऑटो ड्राइवर का नाम कनका है। अच्छा बताओ दीदी, उनके फाइन के पैसे दे दिए ना? नहीं, उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ एक सेल्फी लेकर आई हूँ और मेरे रियल लाइफ हीरोज की लिस्ट में उन्हें ऐड कर दिया है। दीदी दीदी दीदी, एक बार वो फोटो दीजिए ना दीदी, मुझे माँ को दिखानी है। ठीक है, वहाँ टेबल पर मेरा फोन है, ले ले। ठीक है दीदी। वाओ, मेडिकल स्टूडेंट, ऑटो ड्राइवर। अगर मैं इसे फेसबुक पर अपलोड कर दूंगी तो कितने लोग लाइक और शेयर करेंगे? तेरा लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्या रे? दुश्मन बेंगलोर में। बहुत खुशी हुई, मैं अभी बेलगाम से बेंगलोर के लिए निकल रहा हूँ और मैं अपने साथ इसका डेड बॉडी भी लेके आ रहा हूँ। लोगों ने इसे देखा है क्या? नहीं देखा? सच बताओ। बॉस, मैं अभी मुदमल फोर्ट के पास हूँ। सब्जी भाजी साग क्या लेकर आऊँ? जो मर्जी में आए वो लेकर आ। नमस्ते भाई साहब, इसे आपने कहीं देखा है? इसे? हाँ, हमारी सपना मैडम, डॉक्टर। आप इसे जानते हैं? ये रियल लाइफ हीरो का फोटो लेकर फेसबुक में डालती हैं। इनसे कोई फोटो निकलवाना है क्या? जी, हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। आप हो किस गांव से? जेवरी से। वही जी, कलीवरी के पास। अरे ये तो हमारे गांव के करीबी है, मैं भीमातीरा का हूँ। अच्छा जी। अच्छा रुको रुको, उनका फोन नंबर है मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ, उनको फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। आप उनका सम्मान करने आए हैं, इस वक्त बेंगलुरु में बहुत ज्यादा गर्मी है ना। हेलो मैडम, सार्वजनिक सेवक ऑटो चालक, ये कनका इस तरफ से। इस तरफ से डॉक्टर सपना बोल रही हूँ। मैडम आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो क्या है? इस गांधी बाजार में आपको खिचड़ी ढाबा पता है ना? पता है, वहाँ आ जाइए ना मैडम। ठीक है, अभी आती हूँ। देखो महाशय,
मैडम यहाँ पर 10 मिनट में पहुँच जाएंगी। वैसे अभी बज रहे हैं 2:30, तो आप कुछ खाना चाहेंगे क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे क्यों भाई, मैं आपके गाँव आता तो क्या मुझे यूं ही छोड़ देते? कांदा रोटी मेरे मुँह में ठूंस ही देते ना। शर्माना छोड़ो, मेरे साथ आओ, खाना खाते हैं। ऑर्डर करूँ क्या? अरे नहीं जी, हम लोग 4 जन है ना। सिर्फ 4 ही जन है क्या? अरे संकोच मत करो यार, जरा उधर देखो, कुल मिलाकर 20 लोग हो जाएंगे। छोड़ो यार, सर रहे या सर गिरे, खाने के टाइम पर पेट भर के खाना चाहिए, समझ गए ना? चलो आओ भाई आओ, पेट ठंडा कर लेते। आओ और कुछ मंगाऊं क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। सपना मैडम, गांव से कुछ लोग आए हैं आपका सम्मान करने के लिए। अरे खाना छोड़ के उठो मत भाई। सपना मैडम, अरे ये भाग क्यों रही है? मैडम, ओ मैडम, अरे भागो मत, रुक जाओ। अरे सम्मान करने के लिए लोग आए हैं, डरो मत, रुक जाओ। ओ मैडम, अरे मैडम रुको तो। अरे भाई जरा जल्दी आओ, जल्दी मैडम। मैडम ये लोग आपका सम्मान करने के लिए इतने दूर से आए हैं। कुछ नहीं समझते, वो लोग मेरा सम्मान करने नहीं, मुझे मारने आए हैं। भाई वो यहीं कहीं छुपी है। अरे उसे चारों तरफ से घेर लो, कहीं से भाग नहीं पाए। मैडम, मैडम, क्या रे, कौन है तू? कितना टेंशन दिया रे तूने भगा भगा के? मेरी पूरी जिंदगी में इतना टेंशन आज तक किसी ने नहीं दिया। थू, 2% का ऑटो चलाने वाला तू और मैं, बॉम्ब गन तलवार इसके साथ दिन रात खेलते रहता हूं। ए, तेरे अंदर इतना जोश है, सैकड़ों को अपना गुलाम बनाने वाला मेरे अंदर कितना जोश होगा? पाटिल हूं मैं, कमीना कहीं का। ए, ये टीवी वाले जैसे रियलिटी शो करते हैं, शहर के लोग जंगल जाते हैं, जंगल के लोग शहर आते हैं, उसी तरह रियलिटी शो का यह झटका है। तेरे गांव का पता नहीं, तेरी जात का तुझे पता नहीं, फिर भी तू उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अगर तेरे सीने में दम है तो हासिल कर ले। 4 जन के भी काम ना आने वाले ये तेरे चेले चपाटे ना मेरे लिए इसके समान है।
हर दिन हर पल सार्वजनिक सेवा के लिए रेडी रहता है मेरा ऑटो, वो तेरे 100 बकरों से भी बढ़कर है। क्या कहा? ढूंढ ले, ढूंढने की आदत मुझे नहीं है पाटिल। खड़े खड़े जगहों पर बुलवाने वाला पटेल हूं मैं। ए, दिखा रहे इसे रियलिटी शो। प्यार से कोई मांगे तो कनका की जान भी हाजिर है, लेकिन अगर उससे हटकर कोई आंखें दिखाता है ना तो उसके खून से होली खेलना भी आता है। संभल जा, सुधर जा, वरना ये कनका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सच बताओ मुझे, कौन हो आप और वो लोग आप पर अटैक क्यों किए? हाँ, क्या संबंध है उनका और आपका? हमारा गांव बेलगाम, मेरे पिता कुमार अपा नायक, मेरे पापा का नाम सुनते ही दुश्मन कर्नाटक के बॉर्डर के अंदर पैर रखने से भी घबराते थे। वो इतने बड़े साहसी थे, सारे समाज के लिए वो एक प्रेरणा थे। पर एक बुरे हादसे में मैंने अपनी माँ, छोटा भाई दोनों को खो दिया, फिर बचे मैं और मेरे पापा। बचपन में ही मैंने अपनी माँ और भाई को खो दिया था। पिता के होते हुए भी एक अनाथ की तरह रही। मेरे पापा आंदोलन करके समाज के लिए हीरो बन गए, लेकिन मेरी लाइफ के लिए विलेन बन गए। मुझ पर अटैक हुआ है, अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो वहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे और मेरे डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कनका जी, आप मेरी एक हेल्प करेंगे? वो लोग अब मुझ पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। मेरे एग्जाम्स खत्म होने तक क्या आप प्लीज मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करेंगे? आपकी जो भी फीस होगी मैं दे दूंगी। ऑटो वाले सिर्फ दौलत के लिए मेहनत नहीं करते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए मीटर डालते हैं, हाथ पैर दुखता है तो क्वार्टर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर आकर हमारे राज्य की जमीन, पानी, भाषा और यहाँ की लड़कियों से छेड़खानी करेगा ना, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सीधा चीर के रख दूंगा। तुमने कहा कि तुम्हारे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आज के बाद ये ऑटो चालक आपका रखवाला सैनिक बनेगा। आइए। कनिका जी, इंसान की जिंदगी में रिश्ते कितने महत्व रखते हैं, है ना? जी हाँ मैडम। कल मैंने सच्चाई का अवतार फिल्म देखी थी,
कनिका जी, एक ऑटो ड्राइवर से एक मेडिकल स्टूडेंट प्यार करने लगे तो ये गलत है क्या? मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कल से आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। दूसरों की हेल्प करने के आपके इस जज्बे से मैं बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूं। आप जैसी सोच रखने वाले इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का मन कर रहा है मेरा। तनिका जी, I love you। मैं नहीं चाहती कि आप इसका जवाब मुझे इसी वक्त दें। कल सुबह इसी जगह इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जवाब हाँ होगा। कल मिलते हैं। सच बताओ बेटा, उस लड़की सपना ने आई हेट यू तो नहीं कहा? नहीं ना, अगर उसने आई लव यू कहा तो खुश हो जा। After all, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। हे, ऑटो ड्राइवर का दिल नहीं होता है क्या? वो प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते, खुशी से नहीं जीते? ऐसी बात नहीं है भाई, हम रोड रोड घूमकर चार पैसे कमाने वाले हैं। फुटपाथ पर चाय बेचने वाला आज इस देश का प्रधानमंत्री है बेटा, समझे? वैसे आज इस शहर में ऑटो चलाने वाला इस शहर का नायक क्यों नहीं बन सकता, बोल। बोले तो मुख्यमंत्री क्या? हाँ? अरे मुझे नहीं बनना है बाबा। अच्छी घड़ी पहनो तो मुसीबत, ब्रांडेड अंडरवेयर पहनो तो भी मुसीबत बन जाती है। कल तू अपने लव को प्रपोज करेगा, पता है कैसे? पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए, तू रोल मॉडल बनना चाहिए सबके लिए। चल अच्छा, तू मान ले अपने आप को कनका और मैं हूँ सपना। मुझसे नहीं होगा, मैं सपना और तुम कनका। नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, जेंट्स रोल करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तू कनका, मैं सपना। रेडी? रेडी। क्या यार, ये भी कोल्ड ड्रिंक में कुछ ज्यादा ही मिला के दिए है। वो आ गई है। सुनो सपना मैडम, सपना मैडम, अरे 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 सपना मैडम, आज के दौर में लड़कियां अपने होने वाले पति को या तो रतन टाटा जैसा, या धीरूभाई अंबानी जैसा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखती हैं, या फिर वो कोई नाइस पर्सन होना चाहिए। ऐसे में आप मुझ जैसे ऑटो ड्राइवर को लाइक करने लगी। अरे आपकी तो ऑफिसर्स चॉइस। सपना मैडम, आप जैसी लड़कियां हमेशा छोटी छोटी बातों पर जान देने की धमकी देती हैं। देखिए, मैं एकदम पक्का ऑटो ड्राइवर हूँ। पैसेंजर्स को बिठा कर हम पूछते हैं कि कहाँ जाना है, पूछने के बाद मीटर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं, और गियर डाल के रोंग रोंग करके आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट आने तक रुकते नहीं है। मैडम, आप यहाँ किस लिए आई हो? इसलिए ना कि पढ़कर पास हो जाओ। तो अच्छे से पढ़ाई करना छोड़ के ये लव वव के चक्कर में क्यों पड़ी हो? अगर मैं तुम्हें पहले ही ए कहता तो मेरी नाक का गणेश का नाक बनाकर कब की निकल गई होती। मैं तो उनका ब्रदर त्रिशूल पकड़ा हुआ सुब्रमण्यम हूँ। देखो मैडम, मैं एक दिन रॉन्ग रूट से जाकर आपकी बहन को एजुकेशन प्रॉब्लम ना हो सोचकर स्कूल में ड्रॉप क्या कर दिया, तो बदले में आपने अपने हार्ट को मेरे ऑटो से चिपका दिया। आपको मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा ओरिजिनल सत्य कथा पता है? मैं अमावस के दिन पैदा हुआ नीच मनहूस समझकर मेरे पापा ने मुझे जीते जी मार दिया मैडम। जब मैं पेट में था ना, तो मैडम आपको पता नहीं मैंने कितनी तकलीफ झेली है। मेरे पापा का जुल्म मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मैं घर छोड़ के भागा। 20 साल हो गए मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया। अरे छोड़िए, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब वेस्ट है मैडम, वेस्ट है। सेंटिमेंटली, इमोशनली और एजुकेशन में जरा वीक होने की वजह से मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करके समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर भी समझने की कोशिश करो। अन्नपा, आप यहाँ हो? आपको रिहर्सल करने को कहा था।
मैंने तो शो ही खत्म कर दिया। कैसा लगा? इसलिए कहते हैं इस संसार में बिना सारे का कोई परिवार नहीं। मुझ जैसे आवारा का यहाँ कौन सहारा है? सिवाय भगवान के यहाँ कौन किससे प्यार करता है? प्यार एक धोखा है, दिखावा है। सर, मुझ जैसे को प्यार करना गुनाह है, पता है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। मातृभूमि चलोगे भाई? मातृभूमि, सॉरी बॉस, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने बहुत बड़ी गलती की, दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। भगवान के लिए मना मत करो बेटा, मैं शुगर पेशेंट हूँ, देर हो गई है, खाना खाने के बाद दवाई खाना जरूरी है। भगवान के लिए चलो। शुगर पेशेंट हो? आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या? इधर आओ। शराब पीकर चलाने से पहले मेरे हाथ से एक जान गई है। अच्छा? यस सर। चलो बैठो, कानून भी बड़ा है, जिंदगी भी अनमोल है, आओ बैठो। तुम्हारा खुद का ऑटो है भाई। इस संसार में अपना खुद का क्या है भाई, प्यार का चक्कर है क्या? जिंदगी का सफर खत्म नहीं होता, प्यार में चार कदम चलने का वक्त कहाँ है? बस बस यही पर, यही रोक। ठीक है साहब, बारिश भी जोर से आ रही है, मेरी मानो भीगो मत। अरे आप तो शुगर पेशेंट हो ना, तो यहाँ क्यों खड़े हो बारिश में? ये जगह ओके है ना? दफन होने को 2 गज जमीन चाहिए तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी मरे, इससे मुझे क्या है? अभी तुमने कहा, अब इस वक्त तू क्यों मारा गया, ये तेरी समाधि पर लिखा जाएगा। ए साहब, आपको मजाक सूझ रहा है क्या? एक तो जोरदार बारिश है, आप चित्रगुप्त हो क्या, और आपका बॉस यमराज है? रुको, मैं खुद ही उसे ढूंढ के लाता हूँ। क्यों मार रहे हो मुझे, ये बताने के बाद मारो। गाड़ी छोड़कर कहाँ गया? ए, 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 कनका, ए, ए, कनका, ए, ए, छोटे, ए, ए, छोटे, छोटे आँखों, ए, छोटे, छोटे आँखों, ए, 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 ए कनका, कनका आँखों, ए, ए, ए भगवान, ए कनका, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अरे कुछ तो बोल। कनका, अन्नपा, कोई नहीं बचेगा। कौन बेटा, कौन? उनमें से कोई भी इलाके के बाहर नहीं जाना चाहिए।
हमारे इलाके में आकर एक ऑटो ड्राइवर को टच करके वापस जाना इतना आसान नहीं है। तूने मुझे क्यों मारा ये मुझे जानना है। जानना चाहता है? जानना है ना तुझे? ये देख। कल इसी जगह पर इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। सपना मैडम, सपना मैडम। पापा आप कब आए? चलिए ना अंदर चलते हैं। चुपचाप गाड़ी में बैठो। भाई मिला क्या? हाँ भाई मिल गया। उसका नाम कनका है। कनका है? जी हाँ भाई, वो शिवाजी नगर में रहता है। वो एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर है? जी हाँ भाई। ऑटो ड्राइवर? पापा ये सब क्या हो रहा है? पापा आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को शहर क्यों भेजते हैं? ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, प्यार करने के लिए नहीं। प्यार? पापा मेरी बात मानिए, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। भाई कहीं वो भाग न जाए। उसी की गली में उसे गाड़ दो। क्या कह रहे हैं आप? पापा अगर कनका जी को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। पापा खत्म कर लो। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे दुश्मन मेरी बेटी को मार डालेंगे, लेकिन आज वो तेरी वजह से इस तरह से मर जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो जब छोटी सी बच्ची थी तब से मैं उसे अलग अलग शहरों में छुपा कर रखा, अपनी आंखों के तारे को सबसे बचा के रखा था। इतना करने पे भी अपनी बच्ची को मैंने ऐसे खो दिया, तो सोचो इस बाप के दिल पे आज क्या गुजर रही होगी। अरे ये तुम क्या समझोगे? जाके अपने माँ बाप से पूछ के देखो कि प्यार क्या होता है। जाओ और अपने बाप से पूछो। सर आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हो। आपकी बेटी ने मुझसे कहा कि मेरी हिफाजत करो, इसलिए मैं उसकी हिफाजत करता रहा। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस मौत से मेरे दिल को बहुत दुख हुआ है और इसकी वजह सिर्फ आप हो। अन्नापा बताइए क्या मैं इनकी बेटी से प्यार करता हूँ? चुप हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे बात करने दे सर। बेटा हो या बेटी हो उसे कुछ हो जाए तो कितना दुख होता है मुझे पता है, लेकिन मेरा इसके सिवा कोई नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। इस पर गुस्सा उतारने से आखिर हमें क्या मिलेगा, आप ही सोचिए। चलिए क्रियाकर्म करते हैं, चलिए। तुझे क्या पता चलेगा, जब माँ बाप अपने बच्चे को खो देते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। जाके पूछ, पूछ अपने माँ बाप से, वो तुझे बताएंगे। पूछ अपने बाप से। कहाँ गया? ए कनका, ए अन्नप्पा, गांव छोड़ने के बाद जिंदगी नाकारा हो गई थी, ये सोचकर जिंदगी को अपने तरीके से जीता रहा। मैं सही था या गलत पता नहीं, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे छोटे भाई, मेरा गांव, सबको देखने का दिल कर रहा है। इसलिए तुम्हें तनहा छोड़कर मैं गांव जा रहा हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना।
इस बार डेयरी इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए दो कैंडिडेट सामने आए हैं, वीरप्पा का बेटा नाग लक्ष्मी सा और दूसरा है शरणप्पा। हाँ का पूरा मेरा है। माँ, माँ क्या है? मैं गांव के बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में टाइम लगेगा। हाँ संभल कर जाना बेटा। कौन है आप? कौन चाहिए आपको? केईबी वाले हैं। ठीक है, बोर्ड वहाँ पीछे लगा हुआ है, चेक कर लो। माँ मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है बेटा। माँ, माँ। शैलू बेटी, बाहर कौन है? देख। देख रही हूँ, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? कुछ पूछ रही हूँ आपसे, क्या चाहिए बताइए, सुनाई नहीं देता क्या? कौन है बहू? दिखने में तो चोर जैसा लग रहा है, कौन है बताएगा तब पता चलेगा ना। ऐसे बात नहीं करते बहू, तू भीतर चली जा। जा ना। तुम कौन हो बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? आओ बैठो, बैठ जाओ। प्यास लगी है क्या? अभी लाती हूँ, रुको। बेचारा पानी मांग रहा था, कहाँ चला गया? सुनो बेटा। जाना था, रास्ता भूल कर मैं इस तरफ आ गया। चलता हूँ माँ जी। भाई साहब थोड़ा चावल दे दो। मैं सब्जी नहीं, शांता इधर। क्या हुआ जी? जरा इसे देखो, चावल में पानी डालकर ऐसे ही खा रहा है।
बाप के चाहने वालों को माँ बाप का साया नहीं मिला भाई। भैया आप किसी और कोई नहीं हो सकता, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ। लक्ष्मी शाह भैया आप कहाँ थे? भैया तूने मुझे पहचान लिया। इतने साल आप कहाँ थे भैया, क्या कर रहे थे, हमसे कभी मिलने का दिल नहीं किया आपका? चलो भैया अब हम घर चलते हैं। नहीं लक्ष्मी शाह नहीं। भैया घर चलो ना भैया। नहीं लक्ष्मी शाह, पापा ने मुझे माफ नहीं किया, मेरा लौट जाना ही मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। भैया रिश्ता चाहे कैसा भी हो, दूर जाने से उसकी अहमियत कम हो जाती है और पास रहने से और ज्यादा मजबूत होता है। 20 साल के बाद आप घर आ रहे हो तो पापा भी तो बदल गए होंगे ना। चलो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। चलो भैया। माँ लक्ष्मी सा ये कौन है बेटा? एक जानवर भी अपने बच्चे को पहचान लेता है और आप तो एक इंसान हो। ये मेरा भाई कनका है। क्या कहा? मेरा भाई। माँ रुक जा, आ रही हूँ बेटा। ये देखो कौन आया है। हाँ ऐसे क्या देख रही हो माँ? ये कनका है। हाँ मेरा भाई कनका। माँ कनका के सामने होते हुए भी ये पापी आंखें तुझे पहचान नहीं पाई कनका। मेरा बेटा मेरे लाल। क्यों आया है यहाँ तू? पापा हम ये घर छोड़कर गए या नहीं गए ये देखने के लिए आया है या तेरा बाप मरा या जिंदा है ये देखने आया है? पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वीरे साह लक्ष्मी साह मेरे दो ही लड़के हैं। पापा ये कौन है इसे मैं बिल्कुल नहीं जानता। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लीजिए पापा। हाँ। ये जी इतने सालों के बाद हमारा बच्चा घर लौट आया है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे अंदर आने दीजिए। पार्वती इसे अगर हमने घर के अंदर लिया तो समझो हम बर्बाद हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। पापा, पापा आप ये कैसे बात कर रहे हो? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कनका भैया तो आपका सगा बेटा है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे दुनियादारी मत सिखा। भैया तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, अंदर चलो। चलो भैया आओ बेटा चलो। कनका कनका ये तेरा कौन सा अवतार है? मेरा लंगोटिया यार कनका आया, मुझे पता है, इसलिए मैं भी चड्डी में आ गया हूँ। बचपन का दोस्त है तो क्या, उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। वो है लावारिस और ये है आवारा। सुनो मैं अपने दोस्त से मिलने यहाँ पर आया हूँ, भाषण सुनने नहीं। कनका 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 का कनका तू इतना बड़ा हो गया। ए मैं छोटा बंदर। ए तू छोटा बंदर। अरे तेरी तो अब तक तो बच्चों जैसी हरकत करता है। ए सुन ना ये मेरा दोस्त है, बचपन में हम एक साथ खेल कूद किया करते थे, जरा सी कॉफी बना कर लाओ ना। तहसीलदार से मिलने आमदार आए हुए हैं, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी, वैसे भी घर में दूध नहीं है। कभी भी घर वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अब तक हमारी दोस्ती कायम है वो बहुत है। जरा चुप रहे यार। अरे हमारे घर में कोई दूसरी लड़की नहीं है, इसलिए बहू को हम बेटी की तरह सर पे चढ़ा कर रखते हैं। अब बार बार कॉफी बनाने को कहेंगे तो वो बेचारी चिढ़ ही जाएगी ना। तू चल मैं आ रहा हूँ। सही कह रहे हो।
अरे ओ प्रकाश, कनका ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेडीज बिजनेस करता है, आजा बैठ जाए। तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। ये प्रकाश, ये कौन है? कौन है बता? गेस करूं क्या? ये तो ओबामा लगता है। ओबामा? गधे की दुम तेरी, ये तुझे किस एंगल से ओबामा लगता है बोल? अरे फिर कौन है? ए गौर से देखना रे। वाह, हमारा कनका है। मैं पहचान गया था, मैं तो तेरा टेस्ट कर रहा था। ए, मेरे दोस्त के लिए स्पेशल बादाम शरबत लेके आ। अरे जा बादाम शरबत देके आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो देखो वो लंगूर कैसे लटक कर आ रहा है। देख कैसे आ रहा है, जैसे ट्रैक्टर उसी का। हाँ। ओहो, ये कौन है यार? स्कूल में खिड़की के पास बैठता था ना, वो ही बटला। स्कूल में? हाँ। है मोटे, कॉफी दिएगा क्या? जरा बीड़ी पिला ना। तू खुद बीड़ी जैसा है, चल बैठ यहाँ। इसे पहचान कौन है? तेरा दोस्त होगा और क्या? वो तो है, पहचान ना। हे, कर्नाटक के लोगों को मैं नहीं पहचानता है क्या? है ठीक है, फिर बताना कौन है। अरे ये तो अपने सिद्धार्थ तेरे मुंह में गोबर। ए सुनो भाई, इधर आ जाओ। क्या है छोटे? ये कौन है बोलो? पता नहीं कौन है, फिर भी पहचान कर बताओ। अरे ये तो ईश्वर पान वाले जैसा लगता है। देखा, बचपन से एक साथ खेल कूद कर बचपन गुजारा और मुझे पहचाना छोड़कर सीधा भैया, राम भैया, ईश्वर अपा कह रहे हो। ये बहुत हो गया यार, चल। क्या कर रहा है यार? कनका, कनका, एक तो 20 साल के बाद मिला और बिना बादाम शरबत पिए ही चला गया। वो बादाम शरबत मुझे दे देना। कितने साल हो गए मेरे हाथ से खाना खाए। बचपन में जब तू भाई की फिल्म देखता और कहता, मैं कौन हूँ, कश्यप ब्रह्मा का बेटा। रुक जाओ। मैं कौन हूँ, कश्यप ब्रह्मा का बेटा हूँ, चतुर्मुख ब्रह्मा का पोता हूँ, इस संसार के हर दुष्टों का नाश करके विश्व विख्याति प्राप्त किया हुआ महावीर हूँ, अतिथियों के संतानों की जिद को भस्म करके घमंडी लोगों के अहंकार को चिता में लिटाने वाला साहसी, सारे लोग परलोक पाताल को अपने पैरों तले दबाकर रखने वाला महापराक्रमी और बलशाली हूँ मैं। समुद्र से तेज गति से बहता हुआ जल, और अगर अपना सर उठाकर देखो तो रोशनी सा तेज, अगर हाथ उठाऊं तो चतुर्मुख सृष्टि के रचयिता भी मेरे आज्ञा का पालन करते हैं। तो फिर मेरी ही संतान, मेरी ही जन्म दी हुई संतान, मेरा ही अपना खून, मेरी ही आशा की ज्योत को जलाने के बजाय बुझाने का क्या मतलब है? छह, ये कोई जीवन है? ये कोई जन्म है? ये कैसी दुर्दशा है? ये कैसी दुर्दशा है बताइए। वो पापा, वो क्या है ना पापा, वो कुछ पुरानी यादें थी। अब वो मैं दूध पहुंचा के आ जाता हूँ पापा। ए, ए कनिका, आजा आजा आजा, बैठ जा। सुनो लता, मेरा दोस्त आया है, तुम स्पेशल दूध की कॉफी लेकर आ जाओ। लाती हूँ, रुको। मेरे प्यारे दोस्त, तुम 1992 में फटी हुई एक हवाई चप्पल को पहनकर बंकापुर से बैंगलोर चले गए थे ना? बैंगलोर में तुमने आखिर क्या कारनामा किया, जरा मुझे बताओगे प्लीज? मैं ना ऑटो चलाता था प्यारे। ऑटो? बचपन में तूने मास्टर से क्या कहा था, जरा याद कर, फ्लैशबैक में जा। मास्टर जी से क्या कहा? कनका, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं प्लेन उड़ाऊंगा सर। ओहो, तूने प्लेन चलाएगा ये कहा था, ऑटो चलाने लगा। कॉफी? कॉफी में दूध डालकर लाई हो ना? बहुत प्यार उमड़ रहा है क्या? दूसरा ताजमहल बनाकर दे दो क्या? हेलो, अपने मास्टर जी से क्या कहा था ये याद करो। मैंने क्या कहा था? गोपी कृष्णा,
पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? 10 गांव के लोग मेरे पास आने चाहिए, ऐसा सुपरमार्केट बनाऊंगा सर। याद आया क्या? बिग बाजार बनाऊंगा कहकर हर दुकान दुकान पर छोटे मोटे सामान बेचता फिर रहा है तू। क्या करूं यार, लाइफ एक सीरियल की जैसे हो गई है। हर सीन के बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता है। बस क्या बताऊं, जिंदगी की गाड़ी चल रही है। कनिका बेंगलो, एक मिनट ना, युवरानी युवराजा जरा दरबार में जाओ। ए बेंगलुर में जाकर तूने कोई लव शव किया या फिर वहां भी संगीता की याद में ही तूने दिन गुजारे? ए संगीता कैसी है? ओ, अभी तक पुराना प्यार जिंदा है, तू भूला नहीं? ए शादी का एल्बम तो लेकर आओ। हाँ ला रही हूँ। ए पता है अब वो कैसी है? ये लो। आ, 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 ये देखो देखो, गुलाबी कलर की साड़ी में ना संगीता ही है। संगीता, चोर लगता है। क्या चाहिए रे तुझे? मुझे पानी चाहिए। ये बोर बंद होकर 10 साल हो गए। क्या क्या चाहिए तुझे? कौन चाहिए बोल? संगीता। संगीता का घर क्या? वो सामने वाला दरवाजा। संगीता संगीता, बाहर कोई मिलने आया है बेटा, देख। शादीशुदा लड़कियों से लड़के बात नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है संगीता। कनका, उम्मीद एक हवाई जहाज जैसी है, लेकिन ये जिंदगी एक बैलगाड़ी के जैसी है। हमारा सफर चलता ही रहता है। दादी का आखिरी सपना था, इसलिए मैंने शादी कर ली। वो मेरी जिंदगी में मेरे पति बनकर सिर्फ 7 महीने ही रहे। दुबई वाले थे ना, मैं उनकी चौथी बीवी थी। 5वीं शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्हें किसी ने मार दिया, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। दादी को विश्वास था, लेकिन मैंने धोखा खाया। कनका, बौना हो, अंधा हो, चाहे कुबड़ा हो, पति बनकर भले ही वो कोने में पड़ा रहे, पर इज्जत तो मिलती है। बिना पति के हम लड़कियों की जिंदगी खंडर में दीप जलाए जैसी है। दीप जलता तो है, लेकिन किसी घर को रोशन नहीं कर पाता। जी तो रही हूँ, लेकिन क्यों जी रही हूँ ये बात मैं खुद समझ नहीं पा रही। अरे देखो, मैं भी कैसी कैसी बातें लेकर बैठ गई। तुम कॉफी पियोगे ना? हाँ नहीं, रहने दो, रुको मैं लेकर आती हूँ।
लो कनका। कनका, उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें देख पाऊंगी। बीवी को साथ में लाए हो ना? बच्चे कितने हैं? ऊपर वाला हर किसी की किस्मत अपनी मर्जी से लिखता है, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत वो दुखों की स्याही से लिखता है। कैसे हो? बकरी चराने वाले इंसान को बुढ़ापे में चुनाव लड़ने की सूझी है क्या? सुना है अपने बेटे को चुनाव में नॉमिनेट करवा रहा है तू? मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है तो गलत क्या है? बुढ़ौती में लगता है तुम्हारी अकल काम करने लगी है। अब आगे की बात जो है मैं नहीं करूंगा, ये करेगी। ए, ज़्यादा बोल रहे, रुक जा। तेरे लड़के को कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ गई है वीरप्पा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। लक्ष्मी सर कट गया, बहुत खून बहेगा। उसके बाद गांव में क्रिकेट खेली जाएगी। क्रिकेट? कौन है आप लोग? मैंने तो सोचा था इस घर में एक भी मर्द नहीं है, लेकिन एक तो है, अच्छी मर्द है ये। ए, 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 असली मर्द, सही कहा ना? भाई ये देसी मुर्गी मुझे चाहिए भाई। चुप रहे बैठे, पहले मेरे लिए उसके बाद तेरे लिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए मालिक, मेरी बहू को कुछ मत कीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं हम। आशीर्वाद तो मुझे मेहरबानी करके अपने घर वालों को समझा दो कि वोट मुझे ही देंगे। चलता हूँ भाजी, चलता हूँ सुंदरी। भैया, हमारे गांव में दूध डेयरी का इलेक्शन हो रहा है। पापा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। चाचा की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मेरे नाम का नॉमिनेशन फाइल किया है। उनका सामना करने में डर लगता है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। पापा ने तुझे डेयरी इलेक्शन में किस उम्मीद से खड़ा किया है? भैया, पापा ने तुझे डेयरी इलेक्शन में किस उम्मीद से खड़ा किया है? ठीक है भैया। आज से 20 साल पहले घर से 30,000 रुपए चुरा कर गाँव छोड़कर चला गया था, लौट कर आ गया है। नमस्ते। क्यों रे, इलेक्शन लड़ना है? प्रेसिडेंट गिरी चाहिए तुझे? ए, सुन, मैं जब तक जिंदा हूँ यहाँ का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और मेरी ही प्रेसिडेंट गिरी चलेगी। भाई वो मेरे पापा को इतनी समझ नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। मेरा भाई दिखने में उम्रदराज हो गया है लेकिन अभी भी अकल नहीं आई, और मेरे चाचा भी वैसे ही थे, समझ की कमी थी इसलिए अपनी जान गंवा बैठे इलेक्शन बिलेक्शन के चक्कर में। भाई हम लोग गाय भैंस बकरी का दूध बेचकर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या बताऊँ भाई। आपकी लेवल क्या है, हमारी लेवल क्या है। मैं मानता हूँ कि मेरे पापा और मेरी फैमिली बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दो। ऐसा कहूँगा अगर ये सोच रहे हो तो।
ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है। ए! ए! बोटी बोटी काट दूंगा, मिटा कर रख दूंगा। ओहो, अगर मैंने छूंगा तो काट डालोगे और तुम मिटा दोगे? वीरप्पा बहुत अच्छा इंसान है और उनके दोनों बच्चे लक्ष्मी शाह और वीर शाह, वो दोनों तो उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा है ना कनका, बहुत ही खतरनाक लड़का है। वो जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते से हट जाना चाहिए। अगर वॉर्न किया तो मुंह में ढक्कन लगा लो। तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ए, अंदर आने की अगर हिम्मत करता हूँ तो बाहर जाने के लिए हिम्मत के साथ साथ हौसले का मीटर भी रखता हूँ, समझा? ए, 40 मुर्गी, 40 बकरे, 4 एकड़ जमीन रखने वाले तुझे प्रेसिडेंट गिरी चाहिए तो 100 एकड़ जमीन, 100 राइस मिल, 2 मिर्चा मिल, 1 मुर्गी फॉर्म रखने वाले मुझे क्या बनना चाहिए बता? ए, डेरी तुम्हारे पुरखों की दी हुई कोई जागीर है क्या? हल चलाने वाले हर किसान को इलेक्शन में खड़ा होने का हक है। अगर दोबारा कभी हमारी फैमिली तक आने की कोशिश की ना तो तुम सबकी खाल उधेड़ कर बंकापुर के मटन शॉप में सबको उल्टा लटका दूंगा, याद रखना। हा? अच्छा, बहुत अच्छा डायलॉग मारता है तू तो। कसाई के चाकू के नीचे बकरी का बच्चा मैं करके चिल्लाता है। सुन बच्चे, तू एक काम कर, बंकापुर के हर गली में मेरे बारे में पता करके आ, फिर बात करते हैं। 60,000 लोग रहने वाले इस बंकापुर में अपनी मनमानी का खेल खेलने वाला तुझ जैसा शैतान और 10 साल से पूरे शहर को हिलाते आने वाला हूँ मैं, तो सोच मेरे अंदर कितना दम होगा। इसे ले जाकर हॉस्पिटल के खटिया पर पटकते हो या आश्रम में डालते हो, यह फैसला तुम पर है। ये कनका फाइट करने के लिए भी रेडी और इलेक्शन लड़ने के लिए भी, फैसला तुम कर लो। ए कनका, इज्जत के लिए मेरे भाई ने अपना खून बहाया। 30 साल गुजर गया भगवान, 30 साल गुजर गया, मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए दूध के डेयरी के इलेक्शन में एक बार ही सही मेरा अपना कोई जीते। मेरा बेटा लक्ष्मी शाह, वो अगर जीत कर प्रेसिडेंट बना तो मैं जोड़ी बकरा चढ़ाऊंगा। ए वीरभद्र, तुम तो सबके देवता, अगर वो जीता तो तुझे बकरे की बलि मिलेगी, लेकिन मैं जीता तो उन बाप बेटों की बलि चढ़ाऊंगा तुझे। अब तू ही फैसला कर, बकरे की बलि चाहिए या नर बलि, बाद में मुझे दोष मत देना। जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। खाना पका रही थी, कैसे परोसूं? आ, बहुत गर्म है। आहा शिवा, बहुत ही अच्छा है। भैया खाना खा रहे हो क्या? हाँ छोटे, ये तो बासी खाना है। अरे छोड़ यार, ये बहुत ही टेस्टी है, खाने देना, तू चुप बैठ बैठ। शैलू, ए शैलू। हाँ क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया को चिकन क्यों नहीं दिया, बासी खाना क्यों दिया? हाँ चिकन खत्म हो गया है इसीलिए। चिकन खत्म हो गया, तो फिर ये क्या है? वो मेरा छोटा भाई आने वाला है, उसके लिए रखा है। तेरा भाई अपना है और मेरा भाई पराया है क्या? चिल्ला मत, चुप हो जा, आवाज मत करना, भैया सुन लेंगे, चुप रह। बाबूजी, बाबूजी, चुप, मैंने कहा चुप हो जा।
भैया खाना खा रहे हैं, चल अंदर। एक दिन का भी सुकून नहीं है इस घर में, जब से आया है जीना हराम करके रखा है। भैया किसी घर को रोशन नहीं कर पाता। कौन? भैया लक्ष्मी शाह। क्या भैया आप भी ऐसे खाना छोड़कर आप यहाँ आ गए? मैंने आपके लिए होटल से आपके पसंद का मटन लाया है। हम दोनों का खून एक ही है भैया, और ये बीबियां वो लोग तो दूसरे घर से आती है, इसलिए वो हमारे रिश्ते को कभी समझ नहीं पाती है। उसके बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए भैया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। भले ही वो दूसरों के खून से पैदा हुई है, फिर भी वो हमारे घर को रोशन करने के लिए ही तो आई है ना, ऐसे नहीं बोलते। तू हमेशा इस तरह से लड़ा मत कर यार, क्यों इस तरह लड़ता है? हा? वो हमारे घर शादी करके आई है तेरा प्यार पाने के लिए छोटे, वो तुझे ही तो अपना सब कुछ मानती है ना, समझ कहीं का। हम सब मिलकर उसे प्यार देंगे तो वो हमारे घर को अपना घर और साथ में अपना संसार ये सब समझ कर जी लेगी ना। उसे छोड़कर तू ए तू भी ना, अभी बच्चा है छोड़। ए अच्छा तू भी खाएगा क्या? लेखा ये मेरा छोटा भाई डेयरी प्रेसिडेंट बनेगा, हमारे पापा का सपना पूरा होना चाहिए। कल से हम कैंपेन शुरू करेंगे, सब कुछ भुलाकर काम पर लगते हैं। इतिहास में आज पहली बार बंकापुर डेयरी के चुनाव में आप लोगों के भरपूर समर्थन से लक्ष्मी शाह को एक वोट ज्यादा मिला है, उन्हें डेयरी का अध्यक्ष घोषित किया जा रहा है। सुन, तूने आज जो इतिहास रचा है उसे स्याही से लिखा जाएगा, लेकिन मैं जो इतिहास रचूंगा उसे खून से लिखा जाएगा।
इलेक्शन की भाग दौड़ तो खत्म हो गई, हम लोग जीत भी गए, अब हमें पार्टी वार्टी चाहिए। मैं पहले से ही भाई का चाहने वाला हूँ। अन्नदान बोलो, नेत्रदान बोलो, कर दूंगा, लेकिन ये पार्टी नहीं। देख यहाँ दो बकरे हैं, इसका पकवान मेरी तरफ से होगा। और खंबा वो तुम लोगों का। खंबा हमारा। और क्या? खाना तेरा। अब बोलो पार्टी कहाँ करेंगे। वीरभद्रा, तूने मेरे साथ राजनीति खेला ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर जाने दो। उसने वादे के मुताबिक दो बकरों की बलि देके अपना वादा पूरा किया, उसी तरह मैं भी वीरप्पा और उसकी बेटे की नर बलि देके अपना वादा पूरा करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। पापा, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है। कल लास्ट डेट है पापा। ठीक है बेटा, ये ले बेटा। सेलो बेटी, पी ले। सेलो बेटी। शैलू, बाबूजी बुला रहे हैं बेटी। माँ जी, क्या मैं पीटी उषा हूँ? बाबूजी ने बुलाया, मैंने भी सुना। बाबूजी, आपने बुलाया क्या? हाँ बेटा, परसों तुझे रखने के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे, वो लेकर आओ। ठीक है बाबूजी। कहाँ गया? बाबूजी, क्या हुआ? वो पैसे नहीं मिल रहे। ये तू क्या कह रही है बेटा? रात में तो वही थे बाबूजी, मैंने अभी देखा तो नहीं दिखा कहीं। उसने तो तूने पैसे? कौन सा पैसा पापा? 20 साल में आज तक मेरे घर से 1 रुपया चोरी नहीं हुआ। तेरे पैदा होने के बाद मेरे भाई की मौत हुई, उस घर से आने के बाद इस घर का सुकून चला गया। कहाँ रखे तूने पैसे? माँ, सच कहता हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। माँ, मुझे इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। तुझे पैसे के बारे में पता पापा, नहीं? मैं सच कह रहा हूँ पापा। एजी नहीं। पापा, सच में मुझे नहीं पता पापा। चलो, मैंने कोई पैसा नहीं लिया पापा। कहाँ ना उठ। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे जैसे मनहूस के लिए इस घर में एक पल के लिए भी जगह नहीं है। चल बाहर निकल। पापा, समझाओ ना। अरे क्यों रोक रही हैं आप उन्हें? ऐसे चोरों को घर में रखेंगी तो यही हाल होगा। माँ, पापा को समझाओ ना। मैंने कुछ नहीं किया। पापा, दोबारा इस घर के पास मत देखना। पापा, निकल। तुम चलो अंदर। पापा, मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, 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 बचपन में नादानी की वजह से मैंने चोरी की थी पापा, लेकिन आज मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं पापा। पापा, आप मुझे जन्म देने वाले देवता हो पापा। हाथ जोड़ता हूँ पापा, मुझे अपने से अलग मत करो, मैं चोर नहीं हूँ पापा। आप एक बार कहकर तो देखो, मैं आपके लिए यहीं पर अपनी जान दे सकता हूँ। तू मेरे लिए जान दे।
दे सकता है ना? दे दूंगा पापा। मैं तेरी नजर में एक देवता हूँ ना? बिल्कुल पापा। मैं जो कहूँगा वो करेगा? हाँ करूँगा पापा, करूँगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा पापा। आप आदेश देकर देख लो। मेरे मरने के बाद भी तू इस दहलीज पे कदम नहीं रखेगा। यही तेरी तरफ से अपने बाप को सम्मान होगा। ठीक है पापा, ठीक है पापा, ठीक है। आप सबकी खुशी के लिए आपके देहांत के बाद भी मैं इस दरवाजे पर नहीं आऊंगा पापा। पापा पापा, इस जन्म में ही नहीं पापा, हर जन्म में आप ही मेरे पिताजी बनोगे पापा। पापा मैं जा रहा हूँ पापा। माँ रो मत माँ, खुश रहो माँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं मेरे लाल, नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है? क्या बात है? ये लो, इसे लेके कबर्ड में रख। हाँ? ये क्या है जी? ये, अरे वो आज बैंक बंद है ना, और मुझे डेयरी के लोगों का कुछ पैसा चुकाना था, तो मैंने पापा के पैसे ले लिए। क्या? बाबूजी के पैसे आप ले गए थे? हाँ? लक्ष्मी साह, बेटा, तुम्हारे पापा ने कनका को चोर समझकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या कहा? भैया को पापा ने घर से निकाल दिया? बेटा, हाँ, सच कह रही हूँ। पापा, कैसे इंसान हो आप? खुद को क्या समझते हो? घर में गाय बैल के लिए जगह है, बकरियों के लिए जगह है, पर खुद के बेटे के लिए जगह नहीं है। एक ज्योतिष के बातों में आकर मेरे भाई को मुझसे दूर रखा। 20 साल, पूरे 20 साल हम दोनों भाइयों को दूर रखा, और उसका नाम आपने रखा कनका। कनका का मतलब पता है? सोना। सोने जैसा है मेरा भाई, और सोने जैसे भाई पर आपने इल्जाम लगाया। थू, मुझे मेरा भाई खोकर ना आप चाहिए ना ये आपका घर। ए वीरेशा, चल भैया को ढूंढते हैं। हेलो। ए कनका, तूने इतना जोर लगाकर मुझे हराया अपने बाप और भाई के लिए ही ना? तूने अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी है। ए, तेरे भाइयों की बलि चढ़ा रहा हूँ रे। अपने बाप को कैसे बचाएगा?
सकते हो क्या पापा? मेरे बच्चे कंका कंका चलो बेटा उठ जा बेटा पापा गलत फहमी में आ गया मैंने तुझे एक बार भी सीने से नहीं लगाया ना कभी तेरे लिए पसीना बहाया तूने मेरे लिए अपना खून बहा दिया मेरे बच्चे हे भगवान
मुझे मेरा बेटा चाहिए। बेटा। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना। सुनो, मैं जल्दी आऊंगा और इन बालों को जरा काला कीजिए। एक दिन आपको फॉरेन ले जाऊंगा, वो भी अमेरिका, हवाई जहाज में उड़ाकर। हाँ, अभी चलता हूँ। पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। हाँ ठीक है बेटा। बेटा बेटा, क्या है पापा, क्यों इतना शोर कर रहे हो? जब देखो तब बेटा बेटा चिल्लाते रहते हो। कुछ देर सुकून से बैठ नहीं सकते हो क्या? शैलू, शैलू डाली, मैं डेरी में जा रहा हूँ। संभल कर जाइएगा और जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। बेटा कहाँ हो बेटा? पापा ये लीजिए। पापा ये क्या है बेटा? दूध के पैसे हैं पापा। आज के बाद इस घर का मालिक तू है बेटा, ये सब कुछ अब तू ही संभाल बेटा। नहीं पापा, इस घर के आप ही मालिक हैं पापा। मेहनत हमारी और फल आपके हाथ रहेगा पापा। चलता हूँ पापा। बेटा हा? एक मिनट रुको, ये लो। ये क्या है पापा? थिएटर में भाई की फिल्म लगी है। भाई की तू बहुत इज्जत करता है ना, जल्दी जा, देर हो रही है, जल्दी जा। जेठ जी, जेठ जी रुक जाइए। क्या हुआ? आराम से आराम से, ऐसे भाग क्यों रही हो? क्या जेठ जी, अब भाई जी की फिल्म देखने जा रहे हैं ना, ये दूध भी ले जाइए। रखो रखो, मैं जाके आता हूँ। तुम यहाँ? पापा जी ने फोन करके बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो। आओ।